الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوق. तो क्या हाल है आप सब लोगों का, उम्मीद करते हैं आप सब आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह ताला की हिफाजत पे रहो। तो किल्लत वक्त की वजह से हम कई महीनों से व्लॉग ना बना सके, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है, हमारे पास वक्त नहीं मिलता है। लेकिन आज हमने बहुत ही कोशिश करके वक्त को निकाला है ताकि आज हम आपके सामने व्लॉग रखें। व्लॉग किस पे होने वाला है? व्लॉग जो है आज बर्फ पे होने वाला है, क्योंकि आज कई हफ्तों के बाद यहाँ पर बर्फ हुई और अच्छी खासी बर्फ, जबकि बर्फ नहीं हो रही थी। तो ये तो साफ साफ निशान है अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, क्योंकि जब बर्फ के महीने में बर्फ न हो तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमसे नाराज़ है। हम अपने नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि बर्फ अभी पड़ रही है, कितनी कितनी बर्फ पड़ी और कितनी जमा हो गई। चले आगे देखिए, मैं आ गया हूँ ऊपर लैंडर पे आपको दिखाने के लिए। काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ताला की कुदरत होती है। ये देखो आसमान से ऊपर हम देखते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं ऊपर से। तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत पर साफ दलीलें हैं कि अल्लाह ताला है। जो कहते हैं कि अल्लाह ताला नहीं है, उनको इन चीज़ों को देख कर इबरत हासिल करनी चाहिए, उनको इन चीज़ों को देख कर जो है उनको ये जान लेना चाहिए कि नहीं, इसके पीछे है जो इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। तो देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। आज तक बर्फ नहीं हो रही थी तो काफ़ी जो है हम बिल्कुल तंग आ गए थे कि यार ठंड तो है लेकिन बर्फ़ नहीं है, क्या वजह है। तो आज हम बहुत सारे लोगों ने दुआएँ की होंगी इसके लिए कि बर्फ़ होनी चाहिए, क्योंकि बर्फ़ के ज़माने में बर्फ़ ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं। बर्फ़ के ज़माने में बर्फ़ को होना ज़रूरी है, फिर जाकर पता चलता है नहीं सर्दियों का ज़माना है, फिर बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए आप कितनी बर्फ़ पड़ रही है अभी तक, तो कितने बड़े बड़े ओले, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए बैक कैमरे से, अल्लाह अकबर, ये देखिए अल्लाह अकबर। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, पाँव में बहुत ठंड लग रही है। चलिए लेकिन इसको बर्दाश्त तो करना होगा। ये देखिए आप नीचे का नज़ारा, नीचे किश्तवाड़ शहर का। असल में धुंध भी है बहुत, इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये सामने है, ये नीचे किश्तवाड़ का एरिया है। और यहाँ देखिए आप ये शूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये फ़ोटो उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है इन्हें भी फ़ोटो उठाने का, क्योंकि बर्फ़ हो ही नहीं रही थी। तो आज बर्फ़ अभी भी ऊपर से जा रही है सारी है। ये देखिए एक शख्स और आया है ताकि ये भी अपने फ़ोटो उठाए। चलो इंजॉय करते हैं आज इस बर्फ़ के ज़माने में, बर्फ़ के दिन में। तो चलिए आप भी इंजॉय करते रहे जान। हाँ शूटिंग काफ़ी मस्त हो रही है, हाँ बहुत ही अच्छा शूटिंग। ये देखिए अल्लाह अकबर, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओ ये ओलों के साथ खेल रहे हैं, ये ओलों के साथ खेल रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि ये बर्फ़ तकरीबन एक एक फुट तो पड़नी चाहिए यार, फिर ही तो मज़ा है। ये तो ऐसे क्या पता चलेगा कि सर्दियाँ थी, जनवरी का महीना था, फरवरी थी, ये दिसंबर था। जब बर्फ़ पड़ेगी तो तभी हमें पता चलेगा कि नहीं सर्दियों का महीना ही चल रहा है। इसलिए आप भी दुआ